भारत में पहली बार दुनिया का सबसे बड़ा शतरंज मुकाबला शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में इसका उद्घाटन किया था। दुनिया भर के 180 से ज्यादा देश इस चेस ओलंपियाड में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन शतरंज के इस महामुकाबले से ठीक पहले कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से पाकिस्तान के खिलाड़ियों को खेल छोड़कर जाना पड़ा। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि शतरंज का महाकुंभ शुरू होने से ठीक पहले पाकिस्तान कैसे अपनी ही बिछाई हुई बिसात पर मात खा गया। दरअसल भारत में हो रहे इस चेस ओलंपियाड की तैयारी काफी समय से चल रही है। इस चेस ओलंपियाड के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को दिल्ली में एक मशाल रैली की शुरुआत भी की थी। ये मशाल रैली देश की कई महत्वपूर्ण जगहों से होकर गुजरी, लेकिन असली खेल तब हुआ जब ये मशाल रैली जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर पहुंच गई। पाकिस्तान इस मशाल रैली से बुरी तरह से तिलमिला गया, लेकिन उस समय वो चुप रहा, कोई आपत्ति नहीं जताई। लेकिन अब चेस ओलंपियाड शुरू होने से ठीक पहले पाकिस्तान ने अपने खिलाड़ियों को भारत से वापस बुला लिया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कहा कि हम काफी दुखी हैं क्योंकि खेल शुरू होने से ठीक पहले हमारी सरकार हमें बुला रही है। इन खिलाड़ियों ने कहा कि भारत ने शानदार इंतजाम किए थे, हमारे साथ भी काफी अच्छा व्यवहार हो रहा था, लेकिन पाकिस्तान की राजनीति का खामियाजा हम जैसे खिलाड़ियों को भुगतना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने चेस ओलंपियाड की रैली को कश्मीर में भेजकर अच्छा नहीं किया। पाकिस्तान ने कहा कि भारत ने कश्मीर में मशाल रैली निकलवाकर खेल में राजनीति मिलाने की कोशिश की है, इसलिए वो चेस ओलंपियाड का हिस्सा नहीं बनेंगे। हैरानी की बात तो देखिए कि पाकिस्तान ये मामला उस समय भी उठा सकता था जब मशाल श्रीनगर पहुंची थी, लेकिन पाकिस्तान ने बड़ी ही चालाकी से चेस ओलंपियाड के शुरू होने का इंतजार किया ताकि वो पूरी दुनिया का ध्यान जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर खींच सके। पाकिस्तान ये अच्छी तरह से जानता है कि देश विदेश की मीडिया इस चेस ओलंपियाड को कवर कर रही है। पाकिस्तान को लगा कि इससे बढ़िया फ्री पब्लिसिटी का मौका हाथ नहीं आएगा, इसीलिए उसने अपने खतरनाक एजेंडा को पूरा करने के लिए अपने खिलाड़ियों को मोहरा बना दिया।